हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ तनु। आप अपने बालों को चार गुना तेजी से लंबा करना चाहते हैं तो इस शैम्पू का ज़रूर इस्तेमाल करें। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा शैम्पू। जी हाँ फ्रेंड्स, आप घर पे एलोवेरा शैम्पू किस तरीके से बना सकते हैं यही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तमाम परेशानियाँ बालों से जुड़ी वो ख़त्म हो जाएंगी। एलोवेरा के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, चाहे स्किन के लिए हो या सेहत के लिए हो या फिर आपके बालों के लिए हो। तो आज जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और फ्रेंड्स इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों से जो रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, बिल्कुल आपके बालों में चमक नहीं है, वो वापस आ जाएगी और आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल जो है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस शैम्पू को बनाने के लिए आपको एलोवेरा चाहिए। मैंने यहाँ पर दो लीव्स ली हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना है, एक महीने के लिए बनाना है, तो आप 3 से 4 लीव्स ले सकती हैं। और मैंने जब इस लीव्स को काटा था तो आधे घंटे के लिए इसे खड़ा करके रख दिया था ताकि ये जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से निकल जाए, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद जब आधे घंटे के बाद ये सारा लिक्विड निकल जाए, आप इसको धो लीजिए और आप इसका पल्प निकाल लीजिए। तो मैंने लीव्स को धुल के पल्प निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, इतना एलोवेरा ये है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फ्रेश वाला ही एलोवेरा लेना है, आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा एलोवेरा ले सकती हैं। अब हमें इसको पीसना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पीसने के लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे। अब हम इसमें एलोवेरा जेल को ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि हमारा शैम्पू काफ़ी लंबे समय तक चले। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आपको यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल चाहिए। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है और आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल ताकि इसमें थोड़ी सी खुशबू भी आए। तो हम यहाँ पर लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर करीब 5 से 6 बूंदे इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है। अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और ना ही पानी ऐड करना है। अब हम इसको ऐसे ही पीस लेंगे। ये पीस चुका है, देखिए कितना पतला पेस्ट बन गया है। ये आपके बालों में बिल्कुल भी फंसेगा नहीं। इजीली आप जब हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों से सारी गंदगी भी साफ होगी, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट रहेंगे। मैं यहाँ पर अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ झाग बनाने के लिए शैम्पू। फ्रेंड्स, अगर मेरे पास शैम्पू बेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर पतंजलि का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पतंजलि ऐड किया है शैम्पू। देखिए कितने अच्छे झाग बन गए हैं। तो ये हमारा एलोवेरा शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। आपको शैम्पू उसी तरीके से करना है जैसे आप नॉर्मल हेयर वॉश करते हैं। आपको थोड़ा सा अपने बालों को गीला करना है और उसके बाद इस शैम्पू को लगाना है। यह आप आराम से 21 से 25 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ये कांच की बोतल में ही स्टोर करके रखना है। आप कांच की बोतल में रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा और
लंबे समय तक चलेगा। अगर आप प्लास्टिक की बॉटल में रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो उम्र होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए हो सके आप कांच की बोतल में ही स्टोर करके रखें। अगर आपको लगता है कि बहुत कम है और आप उसको एक या दो हफ्ते में ख़त्म कर देंगे तो भी आप प्लास्टिक की बॉटल में रख सकते हैं, वरना आपको लगता है कि ये लंबे समय तक चलने वाला है तो आप इसको कांच की बोतल में ही रखें। तो मैंने तो यहाँ पर इसको कांच की बोतल में डाल लिया है, ये आराम से मेरे दो हफ्ते चलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अपने फ्रेंड्स लोगों में ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।